आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जरूरी सामान की कीमतों में काफी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे आम आदमी हर तरह से घिरा हुआ है, महसूस कर रहा है। सामानों की ये महंगाई कार, घर, सीमेंट तक सीमित नहीं है। आम आदमी को सब्जी से लेकर ईंधन तक की महंगाई से जूझना पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हाल के समय में जीरा, धनिया और मिर्च तक के रेट 40 से 60 फीसदी तक का उछाल देखने को इनमें मिल रहा है। वहीं बीन्स का भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। फूल गोभी का भाव अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है और जो कुछ दिन पहले तक था 40 रुपए तक किलोग्राम के रेट पर ये बिक रहा था। रिटेल मार्केट में तोरी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। भिंडी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। वहीं करेले का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है और मिर्च की बात करें तो 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक ये पहुंच गई है। हालांकि आलू और प्याज की कीमत अभी भी कंट्रोल में है, जिससे आम लोग थोड़े रिलीफ में हैं। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की परेशानियां सब्जियों की कीमत में तेजी तक की सीमित नहीं है। दूध की कीमतों में भी उछाल ने भी आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पिछले महीने से अमूल मदर डेयरी के दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए हैं। तो ये महंगाई किस चरम सीमा तक पहुंचती है, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। तो और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।